हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। रोटी और चावल से भी ज़्यादा ताकतवर है ये चार अनाज। रोजाना आपने सिर्फ एक चम्मच खाना है। भूल जाएंगे शरीर में होने वाली थकान, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द। शरीर में ऐसी फुर्ती आएगी कि आप 75 की उम्र में भी 25 जैसी एनर्जी महसूस करेंगे। कमजोरी जैसी कोई भी चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। दोस्तों, हमारे शरीर में कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में दांत और हड्डियों को मजबूती देने के लिए इसके अलावा बॉडी का 99% से भी ज्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में मौजूद होता है। कैल्शियम से भरपूर अगर आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हड्डियां और जोड़ हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। यही नहीं बल्कि आपके दांत भी मजबूत रहेंगे और आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी सही से होता रहेगा। इसके अलावा डायबिटीज से भी आप बचे रहेंगे। ये हमारे शरीर के पूरे विकास के लिए बहुत जरूरी है, मसल को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आपके दिल और शरीर के हर एक हिस्से को ठीक रखने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि एज बढ़ने के साथ अर्थराइटिस की समस्या, गठिये की समस्या, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी का जल्दी से टूटना। जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी रह जाती है उनकी हाइट भी नहीं बढ़ती। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ पैरों का सोना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, दांतों का सड़ना या फिर मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आना, हेयर फॉल होना, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना। ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी होने पर हम मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन उन सप्लीमेंट का हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। इसकी बजाय आप आयुर्वेदिक तरीके से अपने अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको रोजाना अपनी डाइट में इन चार अनाज में से सिर्फ एक अनाज को एक चम्मच ही लेना होगा। ये गेहूं और चावल से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो चार अनाज कौन से हैं। पहले अनाज की बात करूँ तो वो है साबूदाना। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, हड्डियों को और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे शरीर को ताकत देता है। इसे खाने से हमारे शरीर में कई पोषक तत्व एक ही चीज से पूरे हो जाते हैं। साबूदाना को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। आप इसकी खीर बनाकर खा सकते हैं, खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं यानी कि मसल गेन करना चाहते हैं, उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और मिनरल होने की वजह से ये हमारी बॉडी को काफी एनर्जी देता है। अगर आप सुबह उठकर एक कटोरी साबूदाना खा लेते हैं तो ये हमारे अंदर पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं होने देगा, थकान को दूर रखेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमने इस साबूदाने का सेवन कैसे करना है और कैसे इसका सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आप क्या करिए, एक गिलास दूध ले लीजिए, यानी कि आपने 250 ml के करीब दूध ले लिया और उसे पैन में डाल दिया। उसके अंदर आपने 4 चम्मच साबूदाना डालकर उसे अच्छे से उबाल लिया। जब ये एक अच्छी तरह से खीर तैयार हो जाए तो इसका सेवन आपने सुबह नाश्ते के बाद करना है। तो दोस्तों, अगर आप रोजाना इस तरह से बनी हुई साबूदाने की खीर रोजाना एक कटोरी खाते हैं तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, जो आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है, वो आपको नहीं महसूस होगी। तो बात करते हैं दूसरे अनाज के बारे में जो कैल्शियम से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, वह है बाजरा। बाजरा एक मोटा अनाज है जो आपके दिल को सुरक्षित रखता है। अगर आप बाजरे का सेवन करते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी कभी नहीं हो सकती। पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है बाजरा, इसीलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको रोजाना बाजरे का सेवन करना चाहिए। जिनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनको भी रोजाना बाजरे का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपके जिगर और गुर्दे के विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है, यानी कि लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है। बाजरे में ट्रिप्टोफिन होता है जो हमारी भूख को कम करता है, आपके शरीर को चुस्ती और फुर्ती देता है। बाजरे में सिलेनियम, विटामिन बी, विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है जो स्किन पर ग्लो लाता है और कैंसर से भी बचा कर रखता है। बाजरे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा देते हैं। बाजरे के अंदर अमीनो एसिड होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो अब जानते हैं कि अगर हम 2 हफ्ते रोजाना
बाजरे का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। बाजरे का आप आटा पिसवा सकते हैं, आप उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। जो बच्चे और बूढ़े हैं उनको आप बाजरे का दलिया या खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते रेगुलर अगर आप बाजरे का सेवन करते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे। शरीर को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शरीर की कमजोरी और थकान दूर हो जाएगी। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रोजाना बाजरे की रोटी खानी चाहिए। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर देता है। जिनको हार्ट से जुड़ी यानी दिल से जुड़ी कोई भी समस्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, तो उनको भी रोजाना बाजरे का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को 2 हफ्ते रोजाना बाजरे का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। इसके साथ साथ जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है उनके लिए तो बाजरे का सेवन करना एक औषधि जैसा है। ये हड्डियों के रोगों को दूर करता है। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है जो हमारे अंदर खून की कमी नहीं होने देता। तो अब बात करते हैं तीसरे अनाज के बारे में। तीसरा अनाज है रागी। रागी खाकर आप एक ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम और आयरन तो अच्छी मात्रा में है ही, साथ में अगर आप रागी का स्प्राउट निकालकर इसका सेवन करते हैं तो इसके अंदर विटामिन सी भी बढ़ जाता है। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। यानी कि अकेली रागी के अगर आप स्प्राउट निकाल कर खा लेते हैं तो ये हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। रागी को इंग्लिश में फिंगर मिल्ट कहते हैं और भारत में इसे कहीं कहीं नाचनी के नाम से भी जाना जाता है। रागी के 100 ग्राम के अंदर 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह हड्डियों को मजबूती देने के लिए काफी अच्छा है। बच्चे बड़े सभी इसका आराम से सेवन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को रागी जरूर खिलाइए। आप रागी का दलिया या रागी की खिचड़ी खिलाइए। उन्हें कुकीज में मिलाकर भी रागी दे सकते हैं। इससे बच्चों का ब्रेन का विकास जल्दी होता है, बच्चों की हड्डियों का विकास जल्दी होता है, लंबाई भी जल्दी बढ़ती है जो बच्चे रोजाना रागी का सेवन करते हैं। रागी में अमीनो एसिड होता है जो स्किन पर झुर्रियां नहीं आने देता, आयरन की कमी बॉडी में नहीं होने देता, यानी कि बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं हो सकती। इसके अलावा जिनको अर्थराइटिस की समस्या है उनके लिए रागी का सेवन करना काफी फायदेमंद है। वो गेहूं और चावल का सेवन ना करें बल्कि आप रागी का सेवन करिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप 2 हफ्ते रोजाना रागी का सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे और आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि आप इसका आटा पिसवा लीजिए और इसकी रोटी बना सकते हैं। आप इसका दलिया बना सकते हैं, आप इसके लड्डू बना सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, बिस्किट के रूप में इसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, रागी का आटा बना लीजिए और 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच रागी को उबाल कर यानी पका कर आप इसका ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, रागी को पहले हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपने रागी का पाउडर बना लेना है। जब रागी हल्की सी ठंडी हो जाए उसके बाद आपने सीधा इसको दही में 1 चम्मच मिक्स करना है और इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। क्योंकि दही में मिक्स करने से पहले इसे पकाना रोस्ट करना जरूरी तो है, क्योंकि दही को हम गर्म नहीं कर सकते। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो इसकी खिचड़ी और दलिया बहुत फायदेमंद है। ये हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, हमारी बॉडी में फैट को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचा कर रखता है। इसके अलावा ये फैटी लीवर जैसी समस्या से भी बचा कर रखता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज रहती है यानी कि शुगर की समस्या है, उनको भी 2 हफ्ते रोजाना रागी का सेवन जरूर करना चाहिए। यह खून के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। इसके अलावा रागी को किसी भी तरीके से अगर आप खाते हैं, ऐसा करने से बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं चौथे अनाज के बारे में। तो चौथा अनाज है ज्वार। बहुत कम लोग ज्वार के बारे में जानते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को तो जरूर जान लेना चाहिए, हार्ट पेशेंट को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए एक दवाई की तरह काम करता है। आप ज्वार का आटा पिसवा कर रोटी खाइए। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको भी ज्वार की रोटी खानी चाहिए। इसके अलावा फेस पर ग्लो लाने के लिए और रिंकल्स को दूर करने के लिए इसके अंदर एंटी एजिंग गुण होते हैं, तो उनको भी रोजाना ज्वार की रोटी खानी चाहिए। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया 4 ऐसे अनाज के बारे में जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप गेहूं मत खाइए, आप चावल नहीं खाइए, पर एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, कम से कम आप 2 हफ्ते रोजाना आपने इन 4 अनाज में से किसी भी अनाज को 1 चम्मच जरूर खाना है, ताकि बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी किसी को नहीं आए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।